तो हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल एलोन डिजाइन। तो गाइज आज के इस वीडियो में मैं कुछ इस टाइप का अनुष्का सेन वाला न्यू कॉन्सेप्ट लेके आ चुका हूँ। तो आप लोग बहुत ज़्यादा कमेंट किए थे इस फोटो पे कि इस फोटो का ट्यूटोरियल चाहिए, जो कि मैं इस फोटो का ट्यूटोरियल ला चुका हूँ। तो उससे पहले अगर आप लोग मेरे चैनल पर नया है तो चैनल को जाकर जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहे। और अभी तक आपने हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया तो डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, आप जाइए हमें उसे फॉलो कर लीजिए। और टेलीग्राम पे भी हमको जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए अगर ज्वाइन नहीं किया है तो। और टेलीग्राम पे जाइए और वहाँ पे सर्च कीजिए एलोन डिज़ाइन, हमारा चैनल मिल जाएगा, उसको ज्वाइन कीजिए। और मैं यहाँ का जो भी बैकग्राउंड एंड पीएनजी है वहीं पे दूंगा, तो आप लोग वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा, बहुत ही आसान तरीके से हो जाएगा। तो तब तक के लिए चलिए गाइस बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फाइनली गाइस आप लोग देखेंगे कि हमारा ओरिजिनल फ़ोटो कुछ इस टाइप का है, ठीक है। तो इसी फ़ोटो को मैं एडिट किया हूँ, तो इसको मैं सबसे पहले कुछ भी करना नहीं है इसमें, मतलब इस फोटो को शेयर कर देना है सिंपली सीधे सीधे अपने लाइटरूम एप्लीकेशन में। और लाइटरूम में चल के आप लोगों को कलर रिटच करके बताते हैं। वीडियो को ध्यान से देखिएगा क्योंकि अनुष्का सेन वाला कंसेप्ट अगर ध्यान से आप लोग नहीं देखेंगे तो कभी भी उस टाइप का एडिट नहीं कर पाएंगे। तो ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि आप लोग वीडियो को ध्यान से देखिए, ये वाला कॉन्सेप्ट आप लोग ध्यान से देखना ही पड़ेगा। तो सिंपली क्या आप लोग देखेंगे कि हम लोग आ चुके हैं लाइटरूम एप्लीकेशन में। तो यहाँ पे आने के बाद सबसे पहले हमें लाइट को थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना है। तो ऐसे लाइट को हम लोग एडजस्ट करेंगे जो कि मतलब बहुत ही अच्छा लगेगा देखने में भी। वाइट और ब्लैक को कम कर देंगे और शैडो को इंक्रीज़ करेंगे जिससे कि हमारा मतलब फेस थोड़ा और ज़्यादा दिखे, मतलब ज़्यादा ब्लैक आ जा रहा था तो शैडो को बढ़ाएंगे तो सही हो जाएगा, मतलब परछाई टाइप का जो भी आता है वो ठीक हो जाता है। उसके बाद से मिक्स टूल में जाएंगे और अपना ये वाला सेलेक्ट करेंगे ऑरेंज टोन, और यहाँ से अपने फेस पे थोड़ा लाइट बढ़ाएंगे जिससे कि हमारा फेस वाइट होगा। और येलो टोन को एकदम सेचुरेशन जीरो करेंगे और लुमियंस को 100% इंक्रीज़ करेंगे। अभी देख सकते हैं हमारा फेस बिफोर एंड आफ्टर वाइट हो चुका है। वीडियो को गाइस ध्यान से देखिएगा क्योंकि इस वीडियो में बहुत ही मतलब बारीकी से एक एक चीज़ दिखाया हूँ, तो आप लोग वीडियो को ध्यान से देखेंगे तभी आप लोग को समझ में आएगा। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग वीडियो को पूरा देखेंगे और प्यार भी देंगे इस वीडियो को, क्योंकि आप लोग बोलते हो, कमेंट करते हो कि बस अनुष्का सेन वाला कॉन्सेप्ट लेके आइए। तो मैं आप लोग के ही कहने पे मैं ये वाला कॉन्सेप्ट लेके आ रहा हूँ। और गाइज आप लोगों को बता दो कि इसमें बहुत ज़्यादा मेहनत लगता है गाइज, तो बस आप लोगों का थोड़ा सा सपोर्ट चाहिए हमको, तो बस थोड़ा सा सपोर्ट आप लोग हमको कर दीजिए। और देख सकते हैं अभी लाइट रूम में इतना रिटच करने के बाद अभी फ़ोटो में मतलब ज़्यादा कुछ करना नहीं है हमको फ़ोटो में, अभी यहाँ पर लाइट रूम में ज़्यादा काम नहीं बचा है। तो ये सब तो आप लोग को मतलब सर हर एक वीडियो में दिखाता हूँ, बस कलर रिटच है वही अलग रहता है, तो वो आप लोग ध्यान से देखिएगा, अगर वो समझ गए तो कुछ भी समझना नहीं पड़ेगा। और देख सकते हैं यहाँ पे फेस थोड़ा सा हमारा मतलब पिंपल उम्पल है, तो अगर आपके फ़ोन में ये वाला सिलेक्टिव टूल ओपन होगा तो आप लोग यहाँ से भी स्मूथ कर सकते हैं। अगर नहीं ओपन होगा तो आप लोग ऑटोडेस्क का सहारा भी ले सकते हैं, जो कि मतलब वो भी काफ़ी हद तक बहुत ही अच्छा है, तो मैं उसका भी उसी का यूज़ करूँगा इस वीडियो में। मैं ऑटोडेस्क ही यूज़ किया हूँ, तो मान लीजिए इस फोटो को मतलब इस टाइप का कर लिया, यहाँ से फ़ोटो को शेयर कर दूँगा, शेयर करके इस फोटो को मैं कटआउट कर लूँगा और फोटो को कटआउट करके रखा हूँ, तो ये फ़ोटो हमारा सेव हो गया। तो गाइस फोटो सेव होने के बाद देख सकते हैं कुछ इस टाइप का आया है जो कि ऑटोडेस्क से स्मूथ किया हूँ। देख सकते हैं ये लाइटरूम का स्मूथ नहीं है, तो आप लोग भी ऑटोडेस्क से यूज़ कर सकते हैं, बहुत ही अच्छा है। तो इसको ऑटोडेस्क से स्मूथ करने के बाद मैं कुछ इस टाइप का इसको इरेज किया हूँ, डायरेक्टली इरेज किया हूँ, इसलिए थोड़ा थोड़ा छूट गया है। तो मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कि कैसे क्या क्या करना है, तो आप लोग वीडियो को ध्यान से देखिएगा क्योंकि यहीं पे सबसे मेन स्टेप है फ़ोटो को सजाना, फ़ोटो को मतलब कैसे अच्छे से उसको एडजस्ट करके रखना है, ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो मैं इसको पहले सेट करता हूँ। और गाइज ये हमारा ओरिजिनल फ़ोटो जिसको हमको एडिट करके दिखाना है, तो इस फोटो को सबसे पहले हम लोग शेयर करेंगे अपने पिक्सआर्ट एप्लीकेशन में। और आप लोगों को बता दें कि आज तक जितना भी मैं अनुष्का सेन वाला फ़ोटो एडिट किया हूँ, सबसे हट के कुछ नया ट्रिक में मतलब दूसरे टाइप का इसमें एडिट किया हूँ, कुछ नया यूज़ किया हूँ, तो वो वाला चीज़ इसमें आप लोग ध्यान से देखिएगा, अगर ध्यान से देखते हैं तो बहुत ही अच्छा लगेगा। तो यहाँ से फ़ोटो को हम रिसाइज करते हैं जिससे हमारा फ़ोटो का पिक्सल बढ़ जाता है, तो जो हम एड फोटो करते हैं तो उसका क्वालिटी कम नहीं होता है। तो थोड़ा सा यहाँ पर क्रॉप करेंगे, इतना पे रखेंगे, अभी डन कर देंगे फ़ोटो को, देख सकते हैं क्रॉप कर दिए, तो थोड़ा एक्स्ट्रा पार्ट था तो एडजस्ट करने में अच्छा लगा। फ्रेमिंग सेट करना बहुत ही ज़रूरी है, मतलब हर एक जितना भी मतलब होता है फ़ोटोज उसमें फ्रेमिंग सेट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो ऐसे हम लोग यहाँ पे ऐड कर लेते हैं, उसके बाद से ऐड फ़ोटो में जाएंगे गाइस, यहाँ पे ऐड फ़ोटो में जाएंगे, अपना जो भी पीएनजी है उसको ऐड करते हैं। तो यहाँ पे आप लोग देखेंगे कि हमारा यही वाला फ़ोटो है जिसको मैं यहाँ पे ऐड किया हूँ, तो इस पर फ्लिप रोटेट जो लिखा हुआ है यहाँ पे, इस पर हम लोग क्लिक करेंगे
और इसके बाद से ये वाला ऑप्शन जो है इस पर क्लिक करेंगे, जिससे कि हमारा मतलब फ़ोटो इस साइड में मुड़ जाएगा। और मुड़ने के बाद इसको अच्छे से पहले एडजस्ट करना है, ऐसे बड़ा करेंगे सबसे पहले, तो इसका साइज हम लोग अच्छे से पहले बड़ा करेंगे, इतना पे रखेंगे, एकदम परफेक्ट है। और इतना पे रखने के बाद अपने फ़ोटो पे क्लिक करेंगे और इरेजर पे जाएंगे, और ऊपर से जो भी एक्स्ट्रा पार्ट दिखाई दे रहा है यहाँ से हम लोग अच्छे से पहले इरेज कर देंगे। तो यहाँ से पहले खूब आराम से आप लोग इरेज कर लीजिएगा, साइज छोटा या बड़ा आप लोग जैसे मन करे उतना पे करके, आप लोग को जितना पे मतलब सही लगे उतना पे आप लोग करके अपना इरेज कर लीजिएगा। तो मैं भी यहाँ पे फटाफट से जल्दी जल्दी से इरेज कर लेता हूँ, एकदम अच्छे से इरेज कर लेता हूँ। तो ऐसे आप लोग को इरेज कर लेना है, यहाँ पे थोड़ा सा टच हो गया है तो इसको मैं सही कर देता हूँ। और आप लोग देखेंगे कि इधर भी थोड़ा सा है तो इसको भी हम लोग इरेज कर लेंगे यहाँ से, बहुत ही अच्छे से इरेज हो गया ये भी। मतलब जहाँ भी मतलब आप लोग को दिखे उस सारा चीज़ मतलब इरेज कर लेना है। यहाँ भी मतलब एक लोहा टाइप का है, लोहा ही है, तो इसको भी हम लोग यहाँ से इरेज कर लेंगे। उसके बाद से गाइज आप लोग देखेंगे कि यहाँ पे मेरा हैंड है, तो हैंड को भी इरेज करना है, क्योंकि मतलब हैंड को इरेज कर देंगे तो लगेगा कि हैंड हमारा मतलब इसके पीछे है। तो यहाँ से हम लोग इसको भी सिंपली बहुत ही अच्छे से एकदम ध्यान से इरेज कर देंगे। तो इतना पे इरेज करके रख लेंगे, तो जो कि आप लोग देख सकते हैं मतलब लग रहा है कि हमारा हैंड मतलब आगे नहीं है, इसके पीछे है, मतलब जो रेलिंग है उस पर लग रहा है कि रखा हूँ, तो ये बहुत ही अच्छा है। तो आप लोग इसको सेट कर लीजिएगा। तो अभी हमारा फ़ोटो हो चुका है सेट, तो सिंपली इस फोटो को करते हैं डन। उसके बाद से एक PNG है जिसको ऐड करना है, तो आप लोग ध्यान से देखिए, यही वाला हो PNG है, सनलाइट वाला। तो इसका ब्लेंडिंग मोड हमें स्किन पे रखना है, ऐसे ऊपर की साइड में यहाँ पे एडजस्ट करके लगा लेना है। सिंपली यहाँ से डन कर देंगे, अभी कुछ भी करना नहीं है, फोटो को ड्रा टूल में जाएंगे और फोटो को यहाँ से सेव कर लेंगे। अभी इस फोटो को लेके चलते हैं लाइट रूम में रिटच करने के लिए, उसके बाद फोटो में असली लुक आएगा। तो आप लोग ध्यान से देखिएगा, तो आप लोग देखेंगे कि लाइट रूम से फोटो निकालने के बाद कुछ इस टाइप का दिख रहा है। तो इस फोटो को हम लोग सिंपली यहाँ से शेयर करते हैं अपने लाइट रूम एप्लीकेशन में। अभी लाइट रूम में फ़ोटो को शेयर कर चुके हैं, देख सकते हैं शेयर हो चुका है। और लाइट रूम में यहाँ से लाइट रूम को हम ओके करेंगे और लाइट रूम अपना ओपन करेंगे। तो गाइस सिंपली आप लोग देखेंगे कि हमारा फ़ोटो आ चुका है यहाँ पे, तो इसको बैक करते हैं, मतलब गलती से ऑटो पे क्लिक हो गया है। तो यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा एक्सपोजर को इंक्रीज करेंगे और ब्लैक एंड वाइट दोनों को कम करेंगे, जिससे हमारा फ़ोटो हो जाएगा डार्क। उसके बाद से शैडो को थोड़ा सा इंक्रीज करेंगे, जिससे देख सकते हैं लाइट भी आ रहा है हमारा फ़ोटो में, तो थोड़ा काफ़ी हद तक अच्छा लगता है हमको मतलब ये इस टाइप का फ़ोटो। उसके बाद से मिक्स टूल में जाएंगे अपना, और यहाँ से ऑरेंज टोन पे सेलेक्ट करके और इसका फेस पे थोड़ा सा लाइट इंक्रीज कर लेंगे, और इसका ह्यू थोड़ा सा 5 या 6% कम करेंगे तो हमारे फेस पे थोड़ा थोड़ा रेड इफेक्ट आ जाएगा, जो कि मतलब बहुत रियलिटी मतलब दिखाता है, तो ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और फिर इसको इंक्रीज करेंगे थोड़ा, कपड़े में भी कलर ज़्यादा आ जाएगा। और ब्लू टोन है इसको हम लोग माइनस में रखते हैं, तो मतलब पूरा बैकग्राउंड का इरेज हो जाता है, तो इसको हम ऐसे ही छोड़ देंगे। और बाकी गाइस देखिए बिफोर एंड आफ्टर ज़्यादा कुछ इसमें चेंज नहीं किए हैं, छेड़छाड़ नहीं किए हैं। उसके बाद से सिंपली हमको स्प्लिट टोन में जाना है। अगर ये यूज़ करना आप लोग सीख गए तो आप लोग मतलब फ़ोटो का कलर मैच करवा लेंगे फेस से। तो यहाँ पर ध्यान से देखिए हम लोग को कलर मैच करवाना है यहाँ पर कैसे कैसे, मतलब यहाँ पर थोड़ा सा मतलब इतना पे रखेंगे 3% तक, अभी देख सकते हैं। और इसमें भी थोड़ा सा मतलब इसमें ज़्यादा नहीं, 1 या 2% तक बढ़ाएंगे, 2% बस। अभी देख सकते हैं बिफोर एंड आफ्टर बहुत ज़्यादा चेंज हो चुका है फ़ोटो हमारा। उसके बाद से यहाँ से आएंगे और शार्पेनिंग और डिटेल और नॉइज रिडक्शन इन तीनों को फुल करेंगे, मतलब इतना 38 तक इसको रखेंगे, और डिटेल को 100% बढ़ा देंगे, जिससे कि हमारा फ़ोटो का क्लियरिटी कम नहीं होगा। और इसको बैकग्राउंड स्मूथ करने के लिए होता है कलर नॉइज रिडक्शन, इसको बढ़ा देंगे, और बाकी ये दोनों को भी ऑन मतलब इसको ऑन कर लेंगे, और टेक्सचर और क्लियरिटी को थोड़ा थोड़ा इंक्रीज करेंगे। अभी देख सकते हैं फ़ोटो हमारा कुछ इस टाइप का लुक दे रहा है। शैडो को थोड़ा सा और इंक्रीज करेंगे, मतलब 70 तक रखेंगे। उसके बाद से फ़ोटो को सिंपली कर लेंगे डन। अभी हमारा फ़ोटो में 2 स्टेप और बचा है, तो वो मैं आप लोगों को करके दिखाता हूँ, आप लोग ध्यान से देखिए। तो अभी हमारा फ़ोटो पहले तो सेव हो रहा है, तो फाइनली आप लोग देखेंगे कि हमारा फ़ोटो हो चुका है सेव, तो यहाँ से डन कर देंगे। अभी चलते हैं अपने गैलरी में, पहले यहाँ से फ़ोटो को शेयर करेंगे अपने स्नैपशीट में, जो कि हमारा शर्ट थोड़ा ख़राब है तो उसको हम लोग को सही करना है। शर्ट सही करने के लिए एक एक स्टेप बताता हूँ गाइस, वीडियो को आप लोग ध्यान से देखिए। अभी मैं मतलब इस फ़ोटो में मेरा शर्ट थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा है, तो मैं अपने शर्ट को यहाँ पर सही करूँगा। तो इसमें इसको सही करने के लिए स्नैपशीट में ओपन करूँगा अपने फ़ोटो को, और स्नैपशीट में आने के बाद यहाँ पर थोड़ा सा ब्राइटनेस और इसको थोड़ा सा कम रखूँगा, एम्बिवियंस को, हाईलाइट को थोड़ा सा इंक्रीज करूँगा,
बाकी कुछ भी नहीं करना है, डन कर देना है। और यहाँ से व्यू एडिट पे जाके और अपने कपड़े पे बस ड्रॉ करना है, ऐसे करके अपने कपड़े पे ड्रॉ कर लेंगे जिससे कि हमारे कपड़े पे ही वाइट हो जाएगा और चमक भी आ जाएगा पहले से ज़्यादा। तो देख सकते हो अभी हमारा फ़ोटो मतलब कुछ इस टाइप का दिख रहा है। तो अभी डन करते हैं फ़ोटो, उसके बाद से ऊपर की साइड में देखेंगे कि यहाँ पे एक डिटेल वाला ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इस पर हम लोग क्लिक करते हैं और स्ट्रक्चर इसका थोड़ा सा बढ़ा लेंगे। डन करेंगे, इसको भी बस अपने कपड़े पे ही अप्लाई करना है, यहाँ से जाके इरेज करके और बस अपने कपड़े पे अप्लाई कर लेना है। अभी देखिए बिफोर एंड आफ्टर कपड़ा पे बहुत ही ज़्यादा मतलब डिफरेंट हुआ है ना। उसके बाद से लास्ट में एक और चीज़ आप लोग को हर एक वीडियो में बताता हूँ, पोर्ट्रेट मोड यूज़ करना। तो इसको आप लोग यूज़ करते हैं तो हमारा फेस थोड़ा और ज़्यादा हाईलाइट हो जाता है। तो इसको हम लोग यूज़ किया देखिए अभी, और स्किन स्मूथिंग को बढ़ाते हैं, आई क्लियरिटी को कम करते हैं। अभी डन करते हैं फ़ोटो, अभी देख सकते हैं हमारा मतलब इसमें स्किन भी मतलब और ज़्यादा मतलब क्लियर दिखने लगा है, हाईलाइट हो गया है। उसके बाद से गाइस इस फोटो को सिंपली यहाँ से कर देना है सेव। अभी फ़ोटो सेव करने के बाद हम लोग लास्ट में एक स्टेप बचा है, अभी क्वालिटी बढ़ा के दिखाते हैं फ़ोटो का कैसा हो रहा है। तो आप लोग ध्यान से देखिए, अभी सिंपली हम लोग फ़ोटो को ऐसे डन करेंगे मतलब यहाँ से कटआउट कर देंगे, कट कर देंगे, और सिंपली हम लोग लास्ट में रेमिनी एप्लीकेशन का यूज़ करेंगे। तो रेमिनी पर क्लिक करते हैं, अपना डाटा ऑन कर देते हैं। तो डाटा ऑन करने के बाद देख सकते हैं यहाँ पे रेमिनी में क्लिक करेंगे तो ये रेमिनी एक एप्लीकेशन है जो कि बहुत ही अच्छा है, इस पर वीडियो भी बनाया हूँ। तो सबसे पहले इनहेंस पे क्लिक करके वो वाला फ़ोटो सेलेक्ट करेंगे, तो मैं वो फ़ोटो सेलेक्ट कर लिया हूँ। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे एक राइट का बटन दिखा रहा है, तो इस पर हम लोग क्लिक करेंगे। अभी आप लोग अगर नेट फास्ट अगर रहेगा तो तुरंत हो जाएगा ये काम। तो देखिए अभी मेरा भी हो रहा है, तो वेट कर लेते हैं थोड़ा सा और देखते हैं कैसे कैसे मतलब बनता है ये फ़ोटो, मतलब क्लियरिटी इसमें बढ़ता है कि नहीं। बिफ़ोर आफ्टर आप लोगों को दिखाते हैं कि कितना ज़्यादा डिफरेंट हुआ है फ़ोटो में। तो बस आप लोग वीडियो को देखिए ध्यान से, देख सकते हैं यहाँ पे ऐड आ चुका है। तो ऐड को देख लेना है पूरा, अगर ऐड को आप लोग नहीं देखेंगे तो बना नहीं पाएंगे, ऐड को देखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो ऐड आप लोग देख लेंगे, उसके बाद से यहाँ पे कट करने का ऑप्शन आएगा तो यहाँ से कट कर देंगे। उसके बाद से दिखाते हैं आप लोगों को कितना ज़्यादा डिफरेंट हुआ है। तो देख सकते हैं अभी पहले हमारा फ़ोटो कुछ इस टाइप का था और अभी इस टाइप का बन चुका है, देखिए डिफरेंट हुआ है। इसके फ़ोटो में भी आप लोग देख सकते हैं पहले ऐसा था अभी ऐसा बन चुका है। तो इसमें फाइनली हम लोग डन करते हैं। तो यहाँ पे आप लोग को हम थोड़ा सा एक मतलब दिखा देते हैं डेमो। तो अभी देखिए बिफोर एंड आफ्टर देख सकते हैं कितना ज़्यादा चेंज हुआ है। तो फ़ोटो को फाइनली यहाँ से कर लेंगे सेव। तो ये भी मतलब ऐड है, इसको देखना नहीं है, काट भी सकते हैं आप लोग। तो हमारा फ़ोटो हो चुका है सेव, देख सकते हैं। तो बस आज का यही था ट्यूटोरियल। तो आशा करता हूँ आप लोग को ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। तब तक के लिए मिलते हैं अगले किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज़।